चीन और अमेरिका के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में चीन ने अमेरिका से कहा है कि वह दक्षिण चीन सागर में उन द्वीपों के निकट पोत और सैन्य विमान भेजना बंद करे जिन्हें चीन अपना बताता है। शीर्ष स्तर पर हुई इस बैठक को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच इस महीने के अंत में होने वाली मुलाकात की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने संवाददाताओं से कहा, अमेरिका चीन के साथ शीत युद्ध रोकथाम की नीति नहीं अपना रहा है, बल्कि हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दोनों देशों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए चीन जिम्मेदाराना और निष्पक्ष रवैया अपनाए। गौरतलब है कि यह बैठक पिछले महीने पेंचिंग में होनी थी, लेकिन ताइवान को नए हथियारों की बिक्री की घोषणा होने और सितंबर में एक चीनी विध्वंसक पोत के यूएसएस टेकाटर के नज़दीक आने के बाद स्थगित कर दी गई थी। तब अमेरिकी नौसेना ने इसे असुरक्षित और गैर पेशेवर कदम करार दिया था। पोम्पियो के चीनी समकक्ष यांग जाइची ने कहा, चीनी पक्ष ने अमेरिका को स्पष्ट कर दिया है कि उसे चीन के द्वीपों और रीफ के निकट अपने पोत और सैन्य विमान भेजने बंद करना चाहिए और ऐसी कार्रवाइयां बंद करनी चाहिए जो चीनी प्राधिकार और सुरक्षा हितों को कमजोर करते हों। यांग और चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंघे ने कहा, हमारे लिए सहयोग ही एकमात्र विकल्प है। दो सेनाओं के बीच विरोध और संघर्ष हमारे ऊपर कहर बरपाएगा। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री मैटिस ने नौवहन की स्वतंत्रता के अमेरिका के अधिकार पर जोर दिया, लेकिन कहा कि दोनों पक्षों को समान हित वाले क्षेत्रों पर मिलकर काम करना चाहिए। प्रतिस्पर्धा का मतलब शत्रुता नहीं है और न ही इसे संघर्ष में तब्दील होना चाहिए।